तो आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भैया दूज है, एक बजने वाला है और इस समय हर्षित मुस्कान को कहानी सुना रहा, भैया दूज की कहानी हर्षित सुना रहा मुस्कान। और धूप तो लाई नहीं मुस्कान, तुम ऊपर से तोड़ के इसे लाना चाहिए। धूप क्यों नहीं लाए हर्षित जी? मेरा हल्दी का है। एक बुढ़िया माई थी, उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, जब भी उसके बेटे की शादी होती फेरों के समय एक नाग आता उसके बेटे को दस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा। इसी तरह उसके छह बेटे मर गए, सातवीं शादी होने बाकी थी। इसी तरह अपने बेटों को मर जाने की बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई। भाई दूर जाने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन को तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला उसका भाई आ रहा है तो उसमें खुशी पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए। और अम्मा उधर उड़ के सो गई हैं, उन्हें ठंड लग रही थी और थक भी जाती हैं चलते चलते। हर्षित यहाँ पर कहानी सुना रहा अपनी बहन को। बहन बहन ने ऐसे किया, उधर भाई जब बहन बोला क्या? पूरा पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है पूरा। क्या हो रहा है दोनों? गोबर से रसोई लिपी, दूध के चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया, खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए, बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया, बच्चों ने वही जो ललिस में सांप था जैसे ही खोला उसमें हीरे का हार निकला। बहन बोली भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया हो। भाई बोला बहन तुझे पसंद है तो ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला मुझे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षा मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादसादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब गिफ्ट दो। हाँ पैर छू और मुस्कान का। तू छुएगा? तू छू? मैं पढ़ी हूँ। खुदा सुखी रहो, भगवान दीर्घायु लंबे अच्छे बुद्धि दे। मैं देने को आपको सिर्फ आशीर्वाद। तो यहाँ पर मुस्कान ने हर्षित का टीका कर दिया है और हर्षित ने देखो चुन्नी कैसे डाल रखी है। और इधर मैं बना रही इन लोग के लिए पास्ता और वीडियो बनाते बनाते कहीं ये जल ना जाए तो मैं इधर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया सरसों के तेल में प्याज और ये देसी तरीके से पास्ता बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कूट रखा है अदरक लहसुन और हरी मिर्च। पर मैंने दो टमाटर का पेस्ट बना लिया है, वो भी पास्ता में डालूंगी। और यहाँ पर सालू जी डाल रही नमक नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक। तो इस टाइम पास्ता खाना अनएक्सपेक्टेबल था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था मम्मी इस टाइम पास्ता वास्ता कुछ बनाएगी, मुझे लगा शाम को ही बनेगा। और सही बताऊँ तो ये हमारे यहाँ बहुत दिनों बाद बन रहा है ऐसा कुछ। और इधर दिखाइए पास्ता कोई धुलता नहीं होगा, मगर मैं धुल के बना रही। नहीं धुल लेना भी चाहिए। और ये मैंने सही है। लिया है और मैं अब डाल रही इसमें और बिल्कुल देसी स्टाइल में बन रहा। हमारे हर्षित बनाता है तो बहुत बहुत तैयारी करता है, व्हाइट सॉस तैयार करेगा, अगर रेड सॉस का बना तो रेड सॉस तैयार करेगा। और शिमला मिर्च नहीं है, नहीं तो शिमला मिर्च भी फ्राई करके ऊपर डाल देते हैं। देसी स्टाइल में बनाया है बिल्कुल, यानी हम सबको बहुत पसंद है। मैं डाल रही हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि ये गरम मसाला हमारे घर का है तो अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा ज़्यादा है बहुत लगता है। और ये है धनिया, ये भी हमारे घर का है। ऑलमोस्ट क्या सारे मसाले घर के हैं, मतलब घर के पीछे हुए ये नहीं कि घर में उगा रहे हैं, घर के पीछे हुए हैं। लेकिन स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने का असली राज यही है, बाहर का मिलावटी चीज़, क्योंकि असली दवाई है हमारी रसोई। अगर कोई पूछे हमारी दवाई की दुकान पर है तो रसोई है। बस बस।
अब मैं डाल रही इसमें पानी एक गिलास। अच्छा थोड़ा तरी वाला खाना सूखा पहले बताओ, अच्छा लगता है तो थोड़ा। 250 ग्राम पास्ता है ये और इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला है। इसी में थोड़ी सी चीनी यानी आधा चम्मच, जो चाय का चम्मच होता है बस आधा चम्मच डाल देंगे इसमें प्रेशर वैसा। और इसमें मैंने 4 से 5 सीटी लगाई है। यहाँ पे एक तरफ चाय बन रही है हर्षित के लिए और यहाँ पे ही क्या होगा। और ये देखिए चमत्कार, यम्मी यम्मी पास्ता बनके तैयार है। ये देखिए चमत्कार भैया सा पास्ता तो मतलब तुम्हें कैसे पता टेस्टी है, तुम्हें कैसे पता मतलब खाना तो पता चल जाएगा कि टेस्टी है क्योंकि मैंने बनाया। चलो भाई सर्व करो भाई। वाह भाई वाह मजा, धनिया मिल जाएगा इसमें थोड़ा। हाँ धनिया भी डाल लो, हर्षित नहीं खाता इसलिए मैंने नहीं डाला। ऊपर थोड़ा चीज अगर कद्दूकस करके डाले तो डाल लो वो भी अच्छा लगेगा ना। नहीं खाना इसलिए मैंने नहीं डाला। अच्छा आपको चीज ज्यादा पसंद नहीं है ना, तो अभी मेरा तो मुँह में बहुत पानी आ रहा है। अरे अभी यहाँ पे कौन खा के देगा, मम्मी खा के देंगे कैसा होगा। बहुत गर्म हो रहा, मुझे जल जाएगा। काश मैं सब देखने वालों को खास तौर पर जो मेरी फ्रेंड्स देख रही है उन्हें खिला सकती। पकड़ में ही नहीं आ रहा है, मन कर रहा है 2-3 एक साथ खा लो लेकिन मुंह जलने का भी डर है। बढ़िया दोस्तों जरा इस पे फूंक मार के इसे ठंडा कर दो। आज भैया दूस था तो रात हो गई है, करीब हो गए हैं। क्या टाइम हो रहा मुस्कान? 11:30 हो रहे हैं। हर्षित यहाँ पटाखे लाया था तो छुड़ाने आया है, तो छत पर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। तो क्या कह रहा कि मैंने कहा रहने तो मत छुड़ाओ, कल अपने दोस्त के साथ कहीं छुड़ा देना। तो कह रहा क्या है अपना घर, तो मैंने गाना गाया। कौन सा गाना गाया मुस्कान? रही है स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, ओ मच्छर। तो स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, वो खुला था नल और यहाँ पर नल खुला हुआ था और पानी टपक रहा था जो कि अच्छा नहीं है, और पता नहीं किसने खोल रखा था, बहुत धीरे धीरे पानी टपक रहा था यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो यहाँ बूंद बूंद से देखिए कितना पानी हो गया, यहाँ कितना पानी बर्बाद हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहते हैं आज दिवाली का आखिरी दिन, भैया दूस के बाद ये झालरे वगैरह सब उतर जाते हैं। भाई लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, दिवाली का आखिरी कभी होगा और फिर अगले साल दिवाली आएगी। और माचिस नहीं लाए हैं, केवल पटाखे लेके घूम रहे हैं। उसके ऊपर रख दो क्या, छत के ऊपर? पागल हो, या इसके ऊपर रख दो, नीला ना बहुत दुख हो रहा है देखते हैं। कितना पानी गिरा होगा आज, क्या हुआ? इसी के ऊपर रख देना, आराम से उसे उतार दे। बहुत है, दो है क्या? कितनी लाइन है? इसमें बहुत तेज आवाज होती है ना। और ऊपर चला जाएगा वो तो, है ना हर्षित? हाँ। कुछ कह नहीं सकते हर बार। तो यहाँ पर हर्षित ने वो जो चिड़िया पीने का पानी रखते हैं वो हटा दिया है और वहाँ रख रहा है। बहुत दिक्कत होती है काम करने में, हटा दो साइड में कर दो। तो ये है हमारे पुराने जमाने का खाट जो हमें बहुत अच्छा लगता है और अम्मा को तो बहुत ज्यादा पसंद है। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान हमेशा ऐसे भाई बहन के जीवन में खुशियां बनाए रखे। पटाखे छुड़ा लिए, हम सब ने भी पटाखे छुड़ाते हुए देख भी लिए और अच्छा भी लगा, मगर थोड़ा डर भी लग रहा था। और अब सोने का टाइम हो रहा, तो आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय।